कितने अरसे से लगा रहे हैं यहाँ पे? तीन साल हो गए। और मैंने सुना है कि आधे पौने घंटे में ये पतीला खाली करके घर चले जाते हैं। शराब गोट से यहाँ इतनी दूर क्यों? इसका पुलाव बहुत अच्छा होता है, जायकेदार पुलाव है, चावल वावल क्वालिटी बिल्कुल बेहतरीन। रोज के कस्टमर हैं आप, वो बता रहे हैं रात भाई, कभी दो दो दिन बाद भी आते हैं, ऐसी बात नहीं। किस चीज का पुलाव है ये? चलेगा कबान का, कबान का पुलाव। अस्सलामुअलैकुम जी, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महमजदा, और आज एक ऐसा पुलाव आपके सामने एक्सप्लोर करने लगी हूँ जिसको छू मंतर पुलाव भी कहा जाता है, जिसकी इतनी डिमांड है कि वो सिर्फ आधे घंटे के लिए आते हैं, पतीला खाली करते हैं और चले जाते हैं। इनके आने से पहले यहाँ कस्टमर मौजूद होते हैं और बने हुए कस्टमर हैं, ऐसा नहीं है कि जो है वो नए नए लोग आ रहे हैं, इनके बने हुए कस्टमर हैं जो आते हैं और किसी और को मौका ही नहीं देते ख़रीदने का, सिर्फ आधे घंटे या 45 मिनट में पतीला खाली करते हैं और चले जाते हैं। तो भाई, ये छू मंतर पुलाव कैसा है, क्या लोकेशन है और इतनी डिमांड क्यों है पुलाव की, आए आपको दिखाते हैं। शहजाद भाई, बड़ी धूम मची हुई है पुलाव की भाई, किस चीज़ का पुलाव है ये? ये चलेगा कबान का, कबान का पुलाव है, बट चावल भी बड़ा खिला खिला खुशबूदार चावल है। कितने अरसे से लगा रहे हैं यहाँ पे? तीन साल हो गए। और मैंने सुना है कि आधे पौने घंटे में ये पतीला खाली करके घर चले जाते हैं। जी, मतलब छू मंतर पुलाव कहेंगे इसको। जी जी, सही हो गया। कहाँ कहाँ से खाने के लिए आते हैं लोग? दूर से आ जाते हैं, तकरीबन नाजमाबाद, सरजानी वगैरह। अच्छा, मसाले वगैरह सब घर के वही इस्तेमाल होते हैं? हाँ, घर। शहजाद भाई, जरा लोकेशन वगैरह बताएं और कहाँ पर है और कितने बजे से कितने बजे तक जो है वो? 11 से 12, 12:15 बजे तक, 12:30 बजे तक। ये आसान है, रामस्वामी राजकोट, राजकोट हॉस्पिटल। जी सही है, बिल्कुल भाई कोने पे ही राजकोट के लगा हुआ है। देखें क्राउड, देखें अभी 10 मिनट हुए हैं आए हुए और कैसे जो है वो ठकाठक जो है वो पुलाव की फरमाइशें हो रही है। शराब गोट अल्लाह से, शराब गोट से यहाँ इतनी दूर क्यों? इसका पुलाव बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इतना लंबा सफर तय करके सिर्फ पुलाव खाने के लिए आते हैं? जी, क्या बात, जायकेदार पुलाव है, चावल वावल क्वालिटी बिल्कुल बेहतरीन। कहाँ से आए खाने के लिए? यही से, बराबर से। रोज खाते हैं? जी, रोज के कस्टमर हैं आप, वो बता रहे हैं शहजाद भाई, कभी दो दो दिन बाद भी आते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, क्या खास क्या है पुलाव में भाई? खास में बस जायका बहुत है, इनका जायका ही बिल्कुल डिफरेंट है कि आप जगह जगह के पुलाव खा लेना, लेकिन जो इनकी चीज है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, आप खुद भी ट्राई करके देख लें। कैसा था? बेहतरीन, भर गया पेट, जान आ गई। तो भाई ये देखें, ये रहा वो पुलाव भाई, जो डिमांडिंग पुलाव जिसको कहते हैं, लोग डिमांड करते हैं और तरसते हैं और नसीब वालों को मिलता है पुलाव। तो भाई हम भी नसीब के अच्छे हैं, तो पुलाव मिल गया है, अब खा के देखते हैं। चावलों की क्वालिटी देखें, चावल एक नंबर यूज़ हुआ हुआ है, बड़ा बड़ा खिला खिला चावल है, सही है ना, और खुशबू वाला चावल है, मतलब पुलाव की खुशबू जो है वो बड़ी अच्छी आ रही है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि लाल मिर्चें यूज़ नहीं हुई हुई ना, खाली हरी मिर्चें डली हुई हैं इसमें, लाल मिर्चों का कोई दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं है। तो ये जिगर के लिए, मैदे के लिए हरी मिर्च तो कहते हैं वैसे ही भाई, बड़ी फ़ायदेमंद है। तो भाई खाते हैं इसको भाई, ये है जानदार पुलाव, हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ना खुल के आ रहा है पुलाव में, ऐसा नहीं है कि मुंह जल रहा हो, हलक में लग रही हो, या ऐसा ना हो कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए। हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है और खुल के आ रहा है, बहुत बहुत वीआईपी पुलाव है भाई, मज़ा आ गया।